सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू के ऑब्जेक्टिव सवाल के बारे में, जो आपको JNU, जामिया और AMU और दूसरी यूनिवर्सिटी के, अगर आप MA की तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर एक है कि निकातुश शोरा क्या है। निकातुश शोरा, यहाँ पे आपको देखिए चार ऑप्शन है, खुदनवीस सवाने, तज़किरा, मजमूए कलाम, इंशाइया। ये मजमूए कलाम इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि मजमूए कलाम में किसी एक शख्स की अपनी जो तख्लीक होती है उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। एक शख्स की तख्लीक जो होती है उसको इकट्ठा किया जाता है। इंशाइया उर्दू नसर में एक सिंफ है जिसमें हम मज़मून निगारी की एक नई शक्ल है जिसको हम अलग अंदाज से अपने जज्बात और ख्यालात को जब अदीब बयान करना चाहता है वो, और खुदनविश वो होती है जिसमें अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, पूरी पैदाइश से लेकर और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक, जब तक वो लिख रहे हैं उस वक्त तक की सारी जो आपकी ज़िंदगी में गुजरी है, अपनी तख्लीकात, अपने माशरे के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, तो वो सारी चीज़ें खुदनविश में बयान की जाती हैं। निकातुश शोरा एक तज़किरा है जिसे मीर ने लिखा है, और ये मीर तकी मीर ने इसे 1752 में लिखा है। अगर हिजरी की बात की जाए तो ये 1165 के अराउंड इन्होंने ये लिखा है। ये तस्करा है। तस्करे में ये होता है कि आप अपने दौर के या अपने बाद के ज़माने के बहुत सारे अदीबों की तख्लीकात को उसमें आप यज्ञा करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं और उनकी तख्लीकात का जायज़ा लेते हैं, उसको तस्करा करते हैं। यहाँ पे तो मीर तकी मीर ने इसको लिखा है जैसे कि 1752 में, 1165 हिजरी में इसे लिखा है। ये तस्करा उन्होंने लिखा था, और उस दौर में एक और तस्करा लिखा गया था उसी टाइम पे जो गर्देजी हैं उनका एक तस्करा है, उस तस्करे का नाम है तस्करा रेख्ता गोया। ये भी आप याद रख दीजिए, आपको काम आ सकता है, उसी दौर का तस्करा रेख्ता गोया। राइटिंग इसमें थोड़ा अच्छी नहीं हो रही लेकिन आप अपने हिसाब से, मैं बोल भी रहा हूँ ताकि आप उसे आसानी से समझ सके। तो ये था पहला सवाल, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। ये दूसरा सवाल है, विकेट कहानी का मुसन्निफ कौन है। विकेट कहानी का मुसन्निफ कौन है, ये इब्तदाई दौर की उर्दू अदब के इब्तदाई दौर में इसका शुमार होता है। विकेट कहानी ये मोहम्मद शाह बादशाह थे उस दौर की ये तसनीफ है, और इसको उर्दू के इब्तदाई दौर में शुमार किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इब्तदाई दौर में जो है आपको यहाँ पे इंशा मिल जाएंगे, इंतज़ार हुसैन तो बात के हैं, और ये फजल अली फजली, तो ये फजली की तसनीफ है। इंशा अल्लाह खां इंशा जो है ये बंगाल में इनकी पैदाइश हुई थी, और बाद में ये फैज़ाबाद अपने वालिद के साथ आ गए थे। तो इन्होंने जो इंशा खान ने वो रानी केतकी की कहानी लिखी है, और ये बहुत मशहूर कहानी है, ये मसनवी है इंशाअल्लाह खान इंशा की, और ये उर्दू अदब में बहुत मशहूर है। इसके अगर तारीख की बात की जाए तो ये 1808 में इन्होंने लिखा है। इंतज़ार हुसैन एक नावल निगार के तौर पे जाने जाते हैं। इनकी नावल जो मशहूर नावल हैं आगे समंदर है, और एक और इनका मशहूर नावल बस्ती है। तो ये तीन अहम शख्सियतें, मोहम्मद अफजल जो हैं ये कोई बड़ी शख्सियत ऐसे उर्दू अदब में नहीं आती है, ये तीनों बड़ी शख्सियत जिनके बारे में आपको सवाल आते रहते हैं, तो वो मैंने इनके बारे में आपको बता दिए। ये सारी चीज़ें सवाल नंबर दो के बारे में आप याद रख सकते हैं। रिसाला सौगात किस शहर से निकलता है, तो ये आपको एक वन लाइन के तौर पर आपको याद करना पड़ेगा। ये रिसाला कहाँ से निकलता है, ये रिसाला कहाँ, जो भी आपको ऑप्शन में इस तरह से आते हैं तो वो आप इसे याद रखते हैं। तो ये बैंगलोर से निकलता है, आप इसे याद रख लें। 1841 में किस शायर का दीवान पहली बार शाय हुआ,
पहली बार शाय हुआ किस शायर का दीवान। तो 1841 हम यहाँ पे देखेंगे कि इस दौर में कौन कौन शायर थे, जैसे यहाँ पे ज़ौक, मोमिन, गालिब, शेफ्ता, ये चारों एक ही दौर के हैं, ये चारों एक ही दौर के हैं। तो अब हमें यहाँ पे पता करना होगा कि किस शायर ने पहले लिखा है या पहले से हैं, तो ये अंदाज़ा वहाँ पे करना है। तो गालिब के बारे में आता है कि उनका जो दीवान था, उन्होंने 1841 में पहली बार वो दीवान शाय किया था, और ये जो दीवान गालिब, दीवान गालिब ये पहली बार उनके ज़िंदगी में शाय हुआ था, और ये उनके ज़िंदगी में शाय हुआ था 1841 में। उसके बाद ये इनके ज़िंदगी में 5 मरतबा उनकी ज़िंदगी में शाय हुआ, उसकी तरतीब दोबारा 2-3 बार उसके री एडिशन किया गया, उसकी में तरमीम और इजाफे के साथ ये 5 मरतबा शाय होता रहा। तो आप इनके बारे में जान लें, ये तीनों जो हैं, ये चारों ये गालिब के दौर के हैं। जब गालिब जेल में गए थे, इनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है कि इनको जेल भी हुई थी, और जेल भी हुई थी तो उस वक्त इन पे बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगे थे, उस वक्त कोई इनसे मिलने नहीं जाता था, तो ये शेफ्ता जो थे ये इनसे जेल में मिले, ये वही शख्स थे जो जेल में इनसे मिलने गए थे। ज़ौक को आप जानते हैं, उर्दू के बहुत बड़े कसीदा निगार में इनका शुमार होता है, मोमिन गज़ल की दुनिया में बहुत ही अहम शख्सियत हैं ये। सवाल नंबर 5, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे, यहाँ पे इस सवाल का आंसर है ज़ौक। ज़ौक के उन्होंने ज़ौक का दीवान भी मुरतब किया है, दीवान भी उन्होंने मुरतब किया है, और ये 1889 की बात है, उसको सन में मुकम्मल किया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अभी गालिब के बारे में ऊपर जिक्र है, मोमिन और शिफ्ता के बारे में भी जिक्र है, ये चारों दो सवाल एक ही एक ज़माने से आ गए। तो इन सारी चीज़ों को आप जो 4 ऑप्शन हैं ये आप देकर उसको तैयारी कर सकते हैं, इनके सन के बारे में, कभी इनकी पैदाइश हुई है, इनकी पैदाइश कब थी और ये कब इनका इंतकाल हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी आपको वन लाइनर के तौर पर आ सकती है, आप उसे याद रख लीजिएगा। ड्रामा देखिए, 6ठा सवाल है ड्रामा के बारे में, आगरा बाजार के शायर की ज़िंदगी पर मबनी है। उर्दू अदब में ये जो ड्रामा है बहुत मशहूर है, जैसे इसमें एक और ड्रामा आता है अनारकली, इसके अलावा ज़ियाद, तो इस तरह से ये आगरा बाजार बहुत ही मशहूर है। ये ड्रामा है हबीब तनवीर का ये ड्रामा है, और उर्दू ड्रामा निगारी में हबीब तनवीर एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। ये ड्रामा 1954 में इसकी ये शाय हुआ है, और ये नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मबनी है। तो इस सवाल के बारे में इतना ही। लफ्फो नश्र मुरतब का ताल्लुक इल्मे मदी से है। ये सवाल नंबर 8, चंद हम असर किसकी किताब है। तो ये जो है ये किताब है मौलवी अब्दुल हक की, इंतज़ार हुसैन, ख्वाजा हसन निज़ामी, मोहम्मद हसन जैसे कि आपको ड्रामा निगार के तौर पे, जैसे इनका ड्रामा है बहुत मशहूर ड्रामा है, ख्वाजा हसन निज़ामी को आप जानते हैं, ये एक इंशाइया निगार के तौर पे बहुत ही मशहूर हैं, इन्होंने बहुत से जानवर खटमल के बारे में लिखा है, खटमल के बारे में लिखा और बहुत सारी चीज़ें, मक्खी मच्छर सब के बारे में इन्होंने लिखा। ये इंतज़ार हुसैन नावल निगार हैं। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां का मुसनिफ कौन है। इसके मुसनिफ हैं अशरफ सुबूही। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में आप जानते हैं कि ये अदीब हैं, उर्दू अदब में इन्होंने जो शुरुआती दौर में जब उर्दू नसर मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन हाली के दौर में, जब उसकी नसर के सर सैयद के दौर में, जब नसर की को एक उरूज मिल रहा था और एक उसकी शक्ल को तब्दील करके उसको एक मकाम देने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौर के हैं। इन्होंने नज़्म निगारी को भी आगे बढ़ाया था, पंजाब में जो एक तंजीम चली थी उसके ये हिस्सा रहे। इन्होंने आबे हयात लिखा है, जो कि आबे हयात बहुत ही मशहूर किताब है उर्दू नसर निगारी में। इसके अलावा सवाल नंबर 10, इनमें से किस को शेर के लिए ज़रूरी समझा गया है। तो इसमें काफिया को ज़रूरी समझा गया, काफिया और रदीफ एक साथ दोनों आते हैं। हम उसे कहते हैं जैसे कि दो
दो चीजें का शायर दो चीजों को बयान करता है और उसका मकसद होता है कि एक एक उसका मीनिंग होता है करीब का और एक उसका मतलब होता है दूर का, तो वो इहाम गोई कहा जाता है। तो उसमें इहाम गोई और सलासत, वो जो आसानी के तौर पे बहुत ही आसान जबान में उसको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही आसान जबान, अगर हम किसी चीज़ को बयान करना चाहते हैं बहुत ही आसान जबान से उसको, तो एक सलासत रवानी वगैरह जो कहते हैं वो उसके मीनिंग में है। 11. रूप किस सिनफ शायरी का मजमू है, तो ये गीत का है। इसके अलावा सह माही उर्दू अदब किस इदारे का रिसाला है। सह माही यानी 3 माह में उर्दू अदब एक रिसाला है जो 3 माह में निकलता है, वो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का रिसाला है। आब हयात में कदीम उर्दू शायरी के कितने दौर कायम किए गए हैं। ये आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। इसमें शायरों के बारे में जो एक शायरी के दौर गिनाए गए हैं, तो वो 3 दौर गिनाए गए हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक चादर मैली सी का मुसन्निफ़ कौन है। एक चादर मैली सी का मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी हैं। जब कत की मुसाफत शबे आफ्ताब, जब कत की मुसाफत शबे आफ्ताब ने, ये किसके मरसिए का पहला मिसरा है। ये मीर अनीस के मरसिए का पहला मिसरा है। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, ये मशहूर नज़म का आखिरी मिसरा किसका, आखिरी मिसरा है किस मशहूर नज़म का, तो ये तन्हाई फैज, सॉरी, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है, उसका ये तन्हाई उसका ये मिसरा है। सवाल नंबर 17, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। इन्होंने अपना कौल दिया है, सैयद सुलेमान नदवी ने अपना कौल दिया, जमील जालबी एक तारीख़दान है, इन्होंने उर्दू तारीख़ पे बहुत ही तवील किताब लिखी है जो आज अभी तक की सबसे मशहूर और मोतमद भरोसेमंद किताब है। इसके अलावा नसीरुद्दीन हाशमी, ये भी इनका ताल्लुक तारीख से है। इनमें से मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब कौन सी है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब कौन सी है, ये है आबे गुम। यहाँ पे एक किताब है लोहे अयाम, तो लोहे अयाम किसकी किताब है, ये है मुख्तार मुख्तार मसऊद की किताब है। और उदास नस्लें जो है वो है, अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। और ये तंजियातो मज़हकात, ये तो एक आपको कह लीजिए कि एक तरह के सिंफ है या एक अंदाज है उर्दू नसर में बयान करने का, जिसमें हम किसी को तंज करते हैं, किसी पे तंज करते हैं यानी उसका मजा लेते हैं। हो सकता है वो निगेटिव में भी हो और पॉजिटिव में भी हो सकता है। और ये आबे गुम जैसा कि मैंने बताया मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब है। हूरी के किरदार का खालिक कौन है, ये बहुत ही मशहूर है। हूरी का किरदार किसने का किरदार का खालिक कौन है, ये प्रेमचंद है। उर्दू अदब के बहुत ही इब्तदाई दौर के बहुत ही मशहूर नावल निगार हैं ये प्रेमचंद। इनका नावल गोदान, गोदान, इसमें हूरी इसका मरकजी किरदार है। सवाल नंबर 20, इसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द कौन है, ये है दया शंकर नसीम। फैज़ अहमद फैज़ के तीसरे मजमूए कलाम का क्या नाम है, तो इसमें यहाँ पे दिया है जिंदा नामा, दस्ते सवा, दस्ते तहसन, दस्ते सबा और सरवादिये सेना। तो इसकी जो तीसरा पूछा है, तो शुरुआत से आप देख लीजिए कि पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो नक्शे फरियादी, नक्शे फरियादी आता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है दस्ते सबा और तीसरे नंबर पे आता है जिंदा नामा। गंजे फरिश्ते किसकी तसनीफ है, ये एक मशहूर गंजे फरिश्ते, ये इसके खालिक हैं मंटू।
क्रिश चंद जो कि एक नावल निगार अफसाना निगार हैं, इसमें चगताई ये भी नावल निगार, इसमें इनकी मशहूर नावल टेढ़ी लकीर मशहूर नावल है। क्रिश चंद ने लिखा है शिकस्त, शिकस्त इनकी मशहूर नावल है। अजीम बेग चौधरी जो कि ये इंशाइया के इंशाइया निगार के तौर पे जाने जाते हैं, सआदत हसन मंटो, इन्होंने बहुत अफसाने और बहुत सारे अफसाने और नावलें, मुजिल वगैरह जैसे मुजिल और तकसीम हिंद पे इनके बहुत सारे अफसाने मशहूर हैं। टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह और इस तरह से इनके बहुत सारे जो, और इनको ऐसा हुआ है कि इन्होंने बहुत जो हम उर्दू में कहते हैं कि फाश निगारी, जैसे इन्होंने बहुत खुलकर लिखा है बहुत सारी चीज़ों को, जिन्स के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खुल के लिखा है, जिसकी वजह से इन पे मुकदमे भी हुए और इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। उस लिस्ट में इसमें चुगताई ये भी आती हैं, जैसे इनका एक अफसाना था इसमें चुगताई का लिहाफ, ये उर्दू अदब में बहुत ही कहा जाए कंट्रोवर्सियल रहा था, और इसकी वजह से इनको बहुत सारी सर्जनिश भी हुई थी, इनको बहुत लोगों की तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा यहाँ पे सवाल नंबर 23 है, हालिम ने शेर की खूबी के लिए सादगी, असलियत और तीसरा किस चीज़ का जिक्र किया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जोश। ये एक वन लाइनर के तौर पे आपको याद करना होगा, मुकदमा शेर व शायरी, मुकदमा शेर व शायरी जब आप पढ़ेंगे, शेर व मुकदमा शेर व शायरी का जब आप मुताला करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी और आप उसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ताजुल मुलुक किस मसनवी का किरदार है? ताजुल मुलुक किस मसनवी का किरदार है? तो ताजुल मुलुक जो है वो किरदार आपको मिल जाएगा गुलज़ार नसीम से। ये एक मशहूर मसनवी है, इसके खालिक हैं दया शंकर नसीम, दया शंकर नसीम इन्होंने लिखा। ऊपर में जैसे आया था कि ये आतश के शागिर्द थे, और ऐसा हुआ था कि जब ये गुलजार नसीम जब ये लिख रहे थे तो इन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा था, और बहुत ही डिटेल में उन्होंने इसको लिखा था, और इसके बाद जब अपने उस्ताद को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इतना जखीम आपने लिखा है, तुमने लिखा है, तो इसको या तो तुम पढ़ोगे क्योंकि तुमने लिखा है, और या तो फिर मैं पढ़ूंगा कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं ये मशवरा देता हूँ कि जाओ इसे और थोड़ा कम करो और इसे समेट के कुछ कम करो ताकि दूसरे लोग भी आसानी से पढ़ सके। तो ये एक मशहूर कोटेशन है आतिश और दयाशंकर नसीम के बारे में। उसके बाद जाकर उन्होंने इसे तलखीस की और उसे कम किया, उसके बाद जो मौजूदा शक्ल आपको गुलजार नसीम की मिलती है वो हमारे सामने। ये सहरुल बयान है, इसके खालिक हैं मीर गुलाम हसन इन्होंने, और ये इसका जो मेन किरदार है मतलब मरकजी किरदार में आपको बेनजीर और बद्रे मुनीर का किस्सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बेनजीर और बद्रे मुनीर, बेनजीर और बद्रे मुनीर, ये इसका किस्सा आपको सहरुल बयान में मिल जाएगा। गुलज़ार नसीम के बारे में एक चीज़ और अहम है कि इसका तर्जुमा फ्रांसीसी अदीब गारसां दत्तासी ने भी फ्रांसीसी में किया था और उसका तर्जुमा किया था। ये एक गुलज़ार नसीम के हवाले से अहम चीज़ है जिसे आप याद रख सकते हैं और इसे आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो ताजुल मुलुक है और एक दूसरा किरदार है गुलबकौली, गुलबकौली ये इसमें एक दूसरा किरदार है। ये जो जहरे इश्क है, ये जहरे इश्क मिर्ज़ा शौक की मसनवी है, और शोले इश्क मीर तकी मीर की मसनवी है।
तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसाना कौन सा है? ये आखिरी अफसाना कफन है। जब इनके सारे अफसाने लिखे गए थे और बहुत सारे जो मजमूए इनके हैं उन तमाम मजमूए ने लिखे, तो ये उनके किसी भी मजमूए में नहीं है और ये उनके आखिरी दौर का है। फुलबन का मुसन्निफ कौन है? ये आपको फुलबन, ये एक मसनवी है, आपको ये मसनवी दक्कन से ताल्लुक़ रखती है, दक्कनी बादशाह, जहाँ पे अली आदिल शाह, आदिल शाही और कुतुब शाही दो सल्तनतें गुजरी हैं, उनमें से एक में यहाँ पे ये सारे जैसे। तो ये पहले इसका मुसन्निफ कौन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका मुसन्निफ है फुलबन का इब्ने नशाती। ये लिखी गई है 1655 के बीच में, 1655 में लिखी गई है फुलबन। और इसके जो मुसन्निफ हैं ये इब्ने नशाती हो गए, वजही भी एक इनकी भी मसनवी है, इनके कुतुब मुश्तरी बहुत ही मशहूर मसनवी है, कुतुब मुश्तरी, ये 1609 में लिखी गई है। नुसरती, नुसरती भी उसी दौर के हैं, और ये भी इनके भी इन्होंने भी मसनवी लिखी है। इनकी मसनवियों में अगर देखा जाए तो आपको एक अली नामा और दूसरी मसनवी गुलशन इश्क मिलेगी, ये इनके हवाले से आप याद रख सकते हैं। और ये कुली कुतुब शाह हैं, ये उर्दू अदब के पहले साहिबे दीवान शायर कहे जाते हैं, और ये कुतुब शाही दौर के ये बादशाह हैं और बहुत ही मशहूर बादशाह हैं। और ये जो कुतुब मुश्तरी है वजी इन्हीं के दौर में जो एक बहुत ही अहम शायर थे, अहम अदीब थे, उन्होंने इनकी ज़िंदगी को सामने रखते हुए कुतुब मुश्तरी को लिखा है। ख्वाजा मीर दर्द इनमें से किसके हम असर हैं? ख्वाजा मीर दर्द के हम असर देखिए, एक वजह जैसे कि मैंने बताया ये 1609 में इन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखा है, तो ये आपको 1500 के करीब 15 लिखा है, तो ये 17वीं सदी में या फिर 16वीं सदी में, 16वीं सदी में इनकी पैदाइश, ये फैज़ अहमद फैज़ इनकी पैदाइश 1900 के बाद हुई है, 1900 के बाद। तो ये दो तो शख्सियत नहीं हो सकती। अब रही बात मिर्ज़ा गालिब की, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश है ये है 1796 की, और इनका इंतकाल हुआ था 1869 में। मीर तकी मीर की जो पैदाइश है वो 1722-23, और इनका इंतकाल हुआ था 1810 में। ये अब ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश जो है, ये ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश 1720 की है, और इनका 1720-21, और इनका इंतकाल हुआ था 1785 में। अब ये सारी चीज़ें क्लियर है, आप अंदाज़ा डायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके हम असर कौन होगा, ये इसका आंसर होगा ए। मीर तकी मीर का सन वफात क्या है? जैसे कि मैंने ऊपर में बताया 1810 में इनकी वफात हो गई थी, तो ये आप इसे याद रख सकते हैं। इनमें से मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर है? कलीमुद्दीन अहमद, जैसे कि मैंने, कलीमुद्दीन अहमद ये नक्काद हैं, नक्काद के तौर पे जाने जाते हैं। शमसुर रहमान फारूकी ये भी नक्काद हैं, और इन्होंने नावल भी लिखी है। पतरस बुखारी जो है, पतरस बुखारी आपको मिल जाएंगे, इंशाइया वगैरह इन्होंने लिखा है, और इनके बहुत सारे इंशाइये बहुत मशहूर हैं। काजी अब्दुल वदूद ये मुहक्की की हैसियत से मशहूर हैं, और ये काजी अब्दुल वदूद ही इसका आंसर सही है। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश जो है वो सियालकोट की है, और इनका इंतकाल लाहौर में हुआ था। अपने दुख मुझे दे दो किस सिंफ की तख्लीक है? किस सिंफ की तख्लीक है, यानी कि ये अपने दुख मुझे दे दो, ये किसमें, इसका शुमार किसमें होता है? नावल, अफसाना, खुद नवीश ड्रामा, जैसे कि मैंने खुद नवीश में सवाने उसमें बताया था कि मुसन्निफ जो होता है वो मुसन्निफ
अपने बारे में लिखता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मौशे के बारे में, अपनी पैदाइश से लेकर और अपने जो जवानी, और जब तक वो लिख रहा है उसको बयान करता है उसमें सारी चीज़ें अपनी तख्लीकात वगैरह को, तो उसे खुद नज़्द कहते हैं। ड्रामा के बारे में, ड्रामा इसमें आप, ड्रामा जो होता है ये एक तो आपको एक इसकी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट, और उसके बाद इसमें एक्टिंग भी की जाती है। एक्टिंग यानी कि इसे आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो ड्रामा अपने दुख मुझे दे दो, बिल्कुल नहीं। अब दो चीज़ें बची हैं, नावल और अफसाना। अपने दुख मुझे दे दो का शुमार नावल में होता है, आप इसे जान सकते हैं। ये थोड़ी चीज़ें थी जो मैंने डिटेल में आपको रिवीजन के तौर पे बता दी, आप इसे याद रख सकते हैं, आपको वैसे भी पता होगा। फिर भी 32, ईरान में अजनबी किसका मजमूए कलाम है? ईरान में अजनबी ये नून मीर राशिद का मजमूए कलाम है। ये अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान, मीरा जी, ये सारे जो हैं एक ही, लगभग एक ही दौर के हैं, ये सब शायर हैं, और इनका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक है इन दोनों का। मीरा जी और नून मीम राशिद का ताल्लुक हल्के अरबाब ज़ौक, हल्के अरबाब ज़ौक से इन दोनों का ताल्लुक है। अली सरदार जाफरी के, अली सरदार जाफरी का जो मजमूआ है, इनका एक मजमूआ इनका है परवाज़, अख्तरुल ईमान की एक बहुत ही मशहूर नज़म है एक लड़का, एक लड़का। तो ये सारी चीज़ें आप इनके शायरों के बारे में याद रख सकते हैं। शमो शायर किसके मशहूर है? तो ये अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म है। इनमें से मौलाना अब्दुल सलाम नदवी की किताब कौन सी है? ये अल्लामा अब्दुल सलाम नदवी की किताब शेरुल हिंद है, शेरुल अजम, शिबली, शिबली नोमानी की है, और अल मामून भी शिबली नोमानी की है। नकुदु शेर है ये कुदामा बिन जाफर, कुदामा बिन जाफर की तसनीफ है। किताब हयात जावेद का मौजू क्या है? हयात जावेद का मौजू क्या है? ये सर सैयद के ऊपर लिखी गई, इसे हाल ही ने लिखा है, और इसका सन ने, किस सन में ये लिखी गई मैं आपको ये बता दूं, ये लिखी गई है 1901 के, 1901 में। मालिक की शायरी जंग आज़ादी, ये तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना हाली जो है उन्होंने इसको लिखा है, जैसे कि मैंने बताया ये सर सैयद के ऊपर। इसके अलावा मौलाना हाली ने गालिब के ऊपर भी लिखा है, यादगारे गालिब, यादगारे गालिब, और उसका जो सन है वो 1897। मुकदमा शेर व शायरी भी हाली ने लिखा है, मुकदमा शेर व शायरी ये 1893 में लिखा है। एक और किताब लिखी है हाली ने, हयाते सादी, वो 1881 में लिखी है। ये सारी चीज़ें थी मौलाना हाली, और इस सवाल के ताल्लुक से आप इसे याद रख सकते हैं। रानी केतकी की कहानी, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था कि रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खान इंशा की है, और इसमें कायम चांदपुरी, शाद अज़ीम आबादी एक शायर के तौर पे जाने जाते हैं। कायम चांदपुरी भी एक शायर थे, और इनका जो है गुलाम हमदानी, गुलाम हमदानी मुसफ़ी के उस्ताद, मुसफ़ी के ये उस्ताद हैं। शाद अज़ीम आबादी, इनका ताल्लुक बिहार से था, और इन्होंने बहुत अच्छी शायरी की है अपने दौर में। सवाल नंबर, इसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 37 पे, 37 पे। रज का ताल्लुक इसमें से किस सिनफ से है? गजल में आप देखें तो गजल में आपको अगर
देखना हो तो इसमें आपको मक्ता मिल जाएगा, मतला, रदीफ, काफिया, ये सारी चीज़ें गज़ल के हवाले से जो मशहूर हैं, तो ये इसका ताल्लुक इससे नहीं है। इसके अलावा एक सिनफ़ात मसनवी जो एक तवील नज़्म होती है और उसमें कुछ ख़ास इस तरह की कोई फॉर्म नहीं है कि मसनवी का कोई स्टेज हो जिसमें फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज ऐसे करके किया जाता है। गज़ल का एक स्टेज होता है मतला मक्ता, ये एक स्टेज होता है रदीफ काफिया, इससे जुड़ा हुआ। कसीदे में भी आपको कुछ स्टेज होते हैं, जैसे कि पहला कसीदा का जो पहला हिस्सा होता है उसको तशबीब बोलते हैं, तशबीब, तशबीब। उसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है ग्रेस, तशबीब हो गया, ग्रेस हो गया। उसके बाद एक आता है मद जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फिर वो उसके बाद शायर अपना जो अपने जिसके जिससे कि तारीफ में लिखता है उसे कुछ अपना मुद्दा होता है, उसके बाद दुआ वगैरह करके इसका खात्मा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मसनवी ये तीनों चीज़ें जो मैंने बता दी इनमें से किसी हैं। अब बचा एक ही मरसिया, तो इसी के बारे में होगा। तो मरसिया के बारे में भी आप देख लीजिए कि मरसिया के जो स्टेजेस हैं, इसके जो अज्जाए तरकीबी है वो क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है चेहरा, चेहरा सरापा। आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रुखसत, रुखसत के बाद आमद, आमद के बाद आता है जो इस सवाल में आपको पूछा गया है रज है, उसके बाद रजम है, रजम के बाद आपको शहादत, शहादत, और फिर आखिर में जो आता है वो है बयान। ये सारी चीज़ें इस सवाल के बारे में आप इसे याद रख लीजिए। अगर आप नए हैं और आपको ये सारी चीज़ें नहीं लग रही है, चेहरा सरापा, चेहरा सरापा, रुखसत, आमद, रजम, तो इनके बारे में डिटेल आप अपनी जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है उनमें देख लीजिएगा, ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो सके कि क्या क्या स्टेजेस है और इन सारी चीज़ों में क्या क्या किस तरह से मरसिया में बयान किया जाता है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर में इहान का लफ्ज़ कौन सा है। एक तो है कोई पास, दूसरा गोया। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये इसके बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। मेरे हिसाब से इसमें या तो गोया होगा या फिर कोई होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप इसे देख लीजिएगा, मैं माजरत खा हूँ इसके बारे में, मैं क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं इसे अंदाज़ा लगा नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है। 39 आंसर, 39 क्वेश्चन है, शिबली नोमानी का सन वफात क्या है। ये तो वन लाइनर के तौर पे आपको 1914 है और इसकी इनकी पैदाइश है 1857 में, अल्लामा शिबली नोमानी की। इन्होंने शिबली कॉलेज खोला है और जैसे कि ऊपर में बताया था अलमामून, और इन्होंने एक नोमान लिखा है, उसके बारे में एक शेरुल अजम लिखा है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में आप याद रखें। आखिरी सवाल जो है सवाल नंबर 40, किताब शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है, किस शायर के कलाम की शरह है। तो ये जो है मीर तकी मीर के शायरी के जो इसमें लिखा है उसकी शरह है, और इसके जो खालिक हैं का नाम है शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको डिटेल में बता दी, और मैं इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जब भी पढ़ें, आप जब भी तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो कोशिश करें कि जो चार ऑप्शन है उनमें से बेहतर दो तीन जो ऑप्शन है जो आपको लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट और ये इस तरह से आते रहते हैं, फिर भी आप उन सारे ऑप्शन को अगर देखेंगे तो एक ही पेपर में, जैसे यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, तो इनमें आपको जैसे मैंने बताया एक डेमो देकर बताया कि आप इस तरह से तैयारी करें अपने घर पर भी जहाँ पर भी हो, ताकि आपको जब भी दूसरी चीज़ें आपको जब दूसरा पर्चा हल कर रहे हो तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको आसानी से हल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सकता है। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो आप चारों ऑप्शन को देखें, जहाँ तक हो सके जितना भी मिल सके आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।